देकर सुर्खियों में बने रहने वालों के खिलाफ अब साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। मथुरा में संतों का महादरबार लगा जिसमें तमाम साधु संतों के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए और एक बार फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ सनातन विरोधियों को करारा जवाब दिया है। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है, राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक प्रशाश्वतता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। कोई सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहा है, सनातन को डेंगू मलेरिया जैसा बता रहा है, तो कोई कह रहा है हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू का मतलब चोर और नीच होता है। ये बीमार मानसिकता के लोग बार बार लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं और खास एजेंडे के तहत सनातन धर्म पर निशाना साध रहे हैं। सनातन ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஹிந்து தர்மம் கேசு, ஹிந்து தர்மம் கேசு, சப் பூச்சியே தோ யே பார்சி சப்த ஹை ஔர் பார்சி மீ இஸ்கா அர்த்த ஹோதா ஹை சோர் நீச் அதம। लेकिन वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। और इसी पर मथुरा में जब संतों ने महासभा बुलाई तो मुद्दा सनातन विरोध का भी उठा, जिसमें फैसला लिया गया कि सनातन विरोधियों का बहिष्कार किया जाएगा, सनातनियों को जागरूक करना होगा और कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, सियासी लोग को जनता ही जवाब देगी। साथ ही ये भी कहा कि विरोध करना है लेकिन उग्र नहीं होना है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी स्वामी मौर्य और उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं पर करारा हमला बोला और उन सब की ठाठरी बांध दी। ये राक्षस वंश के लोग हैं जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, रावण के खानदान के हैं, सनातन को मिटाने के लिए कंस ने भी उपाय किए, रावण ने भी उपाय किए, लेकिन हमारी संस्कृति प्रभु श्री राम की परंपरा, भगवान कृष्ण की परंपरा ना तो कोई आज तक मिटा पाया, उल्टे मिटाने वाले ही हनुमान जी महाराज की। ये जो है खिसियानी बिल्ली है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी इनकी ठटरी बन गई। मुद्दा सनातन के अपमान का है, मुद्दा इंडिया गठबंधन की चुप्पी का है और सवाल है आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक के बाद सनातन पर सीरियस अटैक कैसे होने लगे? आखिर क्यों एक के बाद एक गठबंधन साथी हिंदू के विरोध में आवाज उठाने लगे? क्या ये सुनियोजित तो नहीं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे सियासी गलियारों में उठाया जा रहा है। तो संतों ने भी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है सनातन सूर्य की तरह है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ये बहुत बड़ी लाइन है, विरोधियों की जो बात है वो बहुत छोटी सी है, नगण्य है। उन लोगों के कहने से सूर्य के अस्तित्व तो प्रभावित नहीं होता। उल्लू कहे सूर्य नाम की चीज नहीं है तो क्या उल्लुओं की बात मान ली जाएगी? क्योंकि सूर्य का सब प्रत्यक्ष करते हैं। इसी प्रकार से सनातन के विरुद्ध उठपटांग बोलने वाले कितने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। हाँ, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार संपूर्ण राष्ट्र को संगठित होकर करेगा। जिसका आदि है ना अंत, जो शाश्वत है, उस सनातन के खिलाफ जहर उगलना कहाँ तक जायज है? उस धर्म के खिलाफ सियासत कहाँ तक ठीक है? उसे खत्म करने की साजिश आखिर क्यों हो रही है जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है? अब उस सोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विरोधियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मथुरा में भी जब साधु संतों का जुटना हुआ तो सनातन का मुद्दा उठ गया और विरोधियों को जवाब भी करारा मिला और बहिष्कार के साथ खबरदार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं?
संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर। राम एक वास्तविकता है, राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक प्रतिष्ठा है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा।